अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने बनाए थे नूडल्स, तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमने नूडल्स को बॉईल कर लिए और उसको एक साइड रख दिया। उसके बाद हमने ये वेजिटेबल्स कट कर लिए, जैसे कि हमने पत्ता गोभी लिए, शिमला मिर्ची लिए और हरी मिर्च लिए, प्याज लिए और प्याज की पत्ती होती है वो लिए। इस तरह से हमने सब वेजिटेबल्स कट कर लिए। और उसके बाद ये मसाला जो हक्का नूडल्स वाला होता है, इसमें जो नूडल्स का मसाला है वो ले लिए। उसके बाद हमने कढ़ाई रख दिए, कढ़ाई में ऑयल डाले। ऑयल डालने के बाद मैंने कुछ लहसुन के पीसेस कर ली थी और उस लहसुन को उसमें डाल दी, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स। कभी आप भी ट्राई करें तो ऐसे ही बनाएं। और हम जैसे कि बाहर से भी लेते हैं तो वो लोग भी ऐसे ही सबसे पहले लहसुन डालते हैं कट करके, तो हमने भी लहसुन ले लिया और उसको कट करके इस तरह से ऑयल में डाला। सो फ्रेंड्स, आप कभी ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छी बनती है, तो आप घर में इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएंगी। उसके बाद हमने जो हरी मिर्च कट करके रखी थी उसको डाल दिया, क्योंकि हरी मिर्च आपके हिसाब से ही आप ले जितनी चाहिए हो उतनी। उसके बाद हमने थोड़ा सा कांदा जो कट करके रखा था वो डाल दिया, इससे टेस्ट अच्छा आता है फ्रेंड्स। मुझे पता नहीं कि बाहर यूज़ करती है या नहीं, लेकिन मैं यूज़ करती हूँ। जो भी चाइनीज़ फूड में बनाऊँ उसमें मैं थोड़ा सा खाना तो ज़रूर लेती हूँ। उसके बाद इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, अच्छे से तेल में फ्राई, बोले तो ज़्यादा फ्राई ना करे, थोड़ा कच्चापन रहना चाहिए। और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत से लोग, मतलब चाइनीज़ वाले ऐसे करते हैं कि थोड़ा अदरक लहसुन थोड़ा मोटा मोटा पीसा हुआ होता है उनका, वैसे ही मैंने थोड़ा मोटा मोटा हल्का सा पीस के लिया था। आप इसके अंदर उसको ऐड कर ले, और सब्ज़ी को ज़्यादा पकाना नहीं होता है चाइनीज़ में, थोड़ा हल्का सा ही बस हमको इसे पकाना होता है। उसके बाद इसमें हमने ऐड किया जो मेरे पास चाइनीज़ नमक था वो ऐड किया मैंने इसमें। अगर आपके पास हो तो ज़रूर आप इसमें ऐड करें, कोई भी शॉप पे मिल जाता है आसानी से, तो चाइनीज़ नमक ज़रूर ऐड करें। जो भी आप चाइनीज़ डिश बनाएं उसमें चाइनीज़ नमक से एक अलग ही टेस्ट आता है। उसके बाद हमारा नॉर्मल नमक वो मैंने स्वाद अनुसार ऐड किया, तो इससे और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। चाइनीज़ नमक आप ज़रूर लें। उसके बाद हमारा सादा नमक जो होता है वो भी मैंने, जो हमारे खाने में डालते हैं वो भी मैंने डाल लिया। उसके बाद मैंने जो प्याज की पत्ती जो कट करके रखी थी मैंने, उसको भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। मैंने उसको अच्छे से बारीक पीस, मतलब अच्छे बारीक बारीक कट किए थे। उसके बाद मैंने इसके अंदर अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। उसके बाद इसको मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ा फास्ट, जैसे कि मैं थोड़ा ट्राई कर रही थी कि जैसे कि जो मार्केट में वो लोग ऐसे स्पीड से करते हैं ना, तो वैसे मैं भी ट्राई कर रही थी कि थोड़ा मैं भी स्पीड से हाथ चलाऊँ, तो मैं भी थोड़ा मार्केट वालों के ऐसे थोड़ा ट्राई कर रही थी कि दुकान वालों के ऐसे मैं भी कुछ करूँ। उसके बाद मैंने इसके अंदर पत्ता गोभी कट करके डाल दी। पत्ता गोभी मैंने थोड़ी ही ली थी, कि फ्रेंड्स ऐसा होता है कि वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी कभी हम ऐसे घर में बनाते हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़ी कम ही ली थी सब चीज़ें। तो उसके बाद इसको ऐड करके मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। फ्रेंड्स ज़्यादातर तो कम, बोले तो इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करते हैं, हल्का हल्का ही करते हैं, लेकिन अब मैं जो जैसे बनाती हूँ ना, तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा बनता है, तो आप ज़रूर घर में ट्राई करें और अपनी फैमिली को बना के खिलाए, बच्चे लोगों को भी बहुत पसंद आएंगी। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो शिमला मिर्च मैंने कट की थी वो डाल दी। मैंने एक ही शिमला मिर्च ली थी, ज़्यादा नहीं ली थी, क्योंकि शिमला मिर्च बहुत, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर शिमला मिर्च कोई खाता नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें ये चीज़ तो होनी चाहिए ना। उसके बाद
उसके बाद जो हक्का नूडल्स वाला जो ये मसाला था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, एक पैकेट लिया था मैंने पूरा ऐड किया। उसके बाद टमाटो सॉस मैंने इसमें डाला, उसके बाद जो चाइनीज़ वाला टमाटो सॉस होता है ना वो था मेरे पास, जो गाढ़े वाले यूज़ करते ना वो हम लोग जैसे कि इसे खाने वगैरह में वही यूज़ करते वो डाली। उसके बाद मैंने सोया सॉस डाली और सोया सॉस को डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर ली। मिक्स करने के बाद मैंने फ्रेंड्स जो नूडल्स उबाल के रखी थी, मैंने बॉईल करके रखी थी, उस नूडल्स को इसमें ऐड कर लिया और उसके बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स ऐसा था कि मेरी नूडल्स थोड़ी ज़्यादा थी तो मैंने फिर अच्छे से इसको मतलब थोड़ा गैस को बंद कर दिया और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, क्योंकि मुझे ऐसा था कि नीचे से मसाला ना जल जाए, इसलिए मैंने अच्छे से गैस को बंद करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और उसके बाद मिक्स करने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब इसके ऊपर हम अंडा बनाते हैं और इसको फ्राई करके फिर खाएंगे। फिर उसके बाद मैंने अंडा ले लिया और उसको अच्छे से फ्राई करके मैंने नूडल्स पे रख दिया। और इसी तरह से फ्रेंड्स सभी को बहुत ज़्यादा ये नूडल्स पसंद आई, सो फ्रेंड्स ज़रूर अपने घर में इसे ट्राई करें, बच्चों को भी इंशाल्लाह देखने ये ज़रूर पसंद आएंगी। एक्चुअली हम उस टाइम पे नूडल्स में डालने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने सोची क्यों जल्दी से नूडल्स बनाते हैं। तो बस इसी तरह से फ्रेंड्स बच्चे लोगों को भी ये नूडल्स बहुत पसंद आई। ये देखिए आसान भी कितने शौक से खा रहा था। तो हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।